बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको हमारी तरफ से जीम टीवी की तरफ से सलाम हो। तो आज हम आपके साथ बहुत ही इजी यमी सिंपल आसान रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। ये रेसिपी ट्राई करने के बाद इंशाल्लाह आप कभी भी बाहर से पिज़्ज़ा बाय नहीं करेंगे। और जो आपके हाथ में एक अंगूठा लगा हुआ ना, अल्लाह पाक ने लगाया हुआ है, वो इसलिए कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। एक वीडियो इतनी आसान रेसिपी लेके आने के पीछे ना बड़ी इफेक्ट करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग तो बस ठीक है, ओके चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ ना। अब ले लिया एक बाउल, दो गालिए इसमें अंडे ऐड, इनको अच्छी तरह फेंटना है ना। जितना आप इसको बीट करेंगे ना, ये उतना ही फ्लफली बनेंगे, आगे चल के रेसिपी में मज़ेदार बनेंगे। अच्छा जी, ज़रूरी नहीं है एक बोलो, कुछ भी होता तो चलता है ना। मेरे पास अगर ये ना होता, प्लेट होती तो भी मैंने कर लेना था। आप जो भी नहीं है, काम करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आप कामयाब हो जाएंगे और बहुत जल्दी। और बात यह है कि चीटिंग भी ना किया करें, सबकी वीडियो फुल देखा करें। साथ ही हमने आधा कप चाय वाला छोटा कप जो होता है आम सा, वो आधा हमने इसमें दूध का ऐड करना है। एक कप लिया था, इस पैकेट में एक कप ही होता है, तो हमने आधा ऐड कर लिया। इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, एक टीस्पून भर के ऑरेगानो का ऐड करेंगे और एक टीस्पून नमक का ऐड करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट इस रेसिपी में जितनी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बाकी जो चीज़ें आगे चल के ऐड होंगी वो साथ साथ स्किप करेंगे, तो भाई ये रेसिपी आप बिल्कुल भी नहीं बना सकेंगे, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई जब आप वीडियो देखेंगे ना, इंशाल्लाह में उम्मीद है कि आप खुद ही दिल करेगा, यार कर लें, इतनी आसान रेसिपी है तो कौन ही चाहेगा ट्राई करने का, अफजली साहब ही चाहेंगे। तो जी, ब्रेड को हमने क्यूब टाइप में काट लिया, आपने भी इसी तरह काट लेना है। आगे चल के इसको अच्छा ही तरह चेक कर ले, हम पैन में भी एक बार इसको हाथ मार के चेक कर लेंगे। साथ ही हम लेंगे दूसरा पैन, पैन को आपने करना क्या, ग्रीस कर लेना है, हल्का सा ऑयल लगा के आपने ग्रीस ज़रूर करना है, वरना जब आप कुक करेंगे तो ये नीचे लगेंगे और फिर तड़े पैन की जान ही ना छड़नी। अगर तुम चाहते हो ना कि ईजीली पैन की जान छड़ जाए तुहाडा पिज़्ज़ा, तो फिर तुम ग्रीस ज़रूर करियो। अच्छा जी, इनको अच्छी तरह चेक करने के बाद जो हमने मटेरियल ऐड किया था अंडा और दूध का, तो वो इसमें ऐड कर। अच्छा, तो एक काम तो आपने ज़रूर करना है, जो आपके हाथ में अंगूठा होता है ना, अल्लाह पाक ने दोनों हाथ हमें एक एक अंगूठा दिया, वो तो इसलिए कि हम आपने हमारी वीडियो लाइक करनी है, तो ज़रूर लाइक किया करें। और नए यूट्यूबर हजरात के लिए एक हमारा पैगाम है कि वीडियो सबकी फुल वॉच करें, ईमानदारी से काम करें। सो वीरन वीरनियों, कम ईमानदारी नाल करो, ईमानदारी नाल करोगे तो सारे दे सारे इंशाल्लाह आप कामयाब हो गए। अगर बेईमानी रखेंगे, आए और गए टच किया और भागे, तो फिर तो भाई उठ ही रहना जिथे आए हो ना। तो फिर ना गल है कि सारे ने वीडियो फुल वेख्या करो, मेहरबानी होगी तुहाडी सारे दी, तो साड़ी भी फुल वेख्या करो, तो लाइक कमेंट जरूर किया करो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद ना आए, तो आप जो चीज़ आपको अच्छी ना लगे वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें बताएं कि ये काम आपने ऐसे नहीं किया, ऐसे करना था, शायद मुझे ना बताओ आपको बताओ। तो प्लीज़ ज़रूर हमें एक दूसरे को बोलना चाहिए। अब जो मटेरियल तैयार किया था अंडे का और दूध का, तो वो कर लेंगे जी पैन में ऐड। पैन को आपने देखा होगा हमने ग्रीस कर लिया, तो ब्रेड को अच्छी तरह चम्मच की मदद से फैला लें और फिर चलते हैं अपनी फ्लेम की तरफ। इसी पैन को उठाएंगे और रख देंगे फ्लेम के ऊपर तकरीबन 4 से 5 मिनट। हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं, मतलब लो टू मीडियम पे इसको कुक करना है। ऊपर से करेंगे कवर, पहले तो 2 मिनट ऐसे खुला छोड़ दें, जैसे आपको लगे कि अंडा पकना शुरू हो गया तो फ़ौरन ही ऊपर से कवर करके मज़ीद 3 मिनट के आसपास इसको पका लें, या तब तक पका लें जब तक आपको लगे, जैसे देखते नहीं आप, देखने में पता चल जाता है कि अंडा हमारा अच्छी तरह कुक हो गया, तो वो नज़र आ जाता है। जब भी आप ये रेसिपी में ट्राई करेंगे तो जब आप कवर हटाएंगे तो पता चल जाता है। तो अब जी कवर हटा लिया हमने, हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के आसपास इसको पका लिया। फिर आराम से ले लेना है चमचा और चमचे को साइड पैन की साइडों से कर लें, जैसे हम कर रहे हैं ना, मतलब साइडें चिपकी हुई हैं। क्यों चिपकी हैं, इसलिए कि इधर ग्रीस नहीं लगी थी, आपने इधर ग्रीस भी लगा लेनी है, हमने सिर्फ नीचे लगाई थी इसलिए वो चिपकी हैं। तो चम्मच की मदद से हमने हटा लिया सबको और इसको फिर कर लेते हैं ऊपर से एक प्लेट रख के अल्ट पल्ट। अल्ट पल्ट करने के बाद जी इसको दोबारा दूसरी साइड इसकी जो ऊपर वाली है वो अब नीचे कर देते हैं। तो नीचे करने के बाद इसके ऊपर डाल लगाएंगे हम अच्छी खासी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस हम आपके सामने लगा रहे हैं, देख लें हमने तो 2 चम्मच भर के लगाई, आप कम या ज़्यादा कर। पिज़्ज़ा रेसिपी में पिज़्ज़ा सॉस का बहुत बड़ा रोल होता है, इससे भी बहुत प्यारा टेस्ट इन्हेंस होता है। तो
तो कोशिश करेंगे अच्छी खासी मतलब पीले के ऊपर लगे। इसी तरह लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर करेंगे जी थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी, थोड़ी करनी है क्योंकि अंडा भी है तो मोज़रेला चीज़। फिर जब अंडे वाला पिज़्ज़ा बनाए ना ब्रेड अंडा, तो चीज़ आप थोड़ी अपने हिसाब से रखें ना, बहुत ज़्यादा ना बिल्कुल लो फुली लोडेड ना कर ले। जैसे हमें इसके ऊपर जितनी हमें चाहिए, जितनी हमें अच्छी लगती उतनी चीज़ ऐड करने के बाद फिर हम इसके ऊपर रखेंगे जी सोने जे टमाटर, लाल लाल टमाटर जो बड़े ही सोने लगते ना, तो खान का उन्होंने टेस्ट फिर कमाल है। जब आप खाएंगे ना तो आप दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। अब जी टमाटर लगा लेंगे, जैसे आपने ऊपर टमाटर रखने ना टमाटरों को हल्का सा आपने प्रेस भी करना है, नीचे दबाना भी है क्योंकि ब्रेड है अंडा है फ्लफली है सब, तो टमाटर ऐसे फिर ऊपर इधर उधर ना भाग ना जाए चीज़ के ऊपर से, ऐसा भी होता है। अब साथ ही रख लेंगे शिमला मिर्च बारीक कटी हुई ना, जैसे हम शिमला मिर्च लगाने के बाद थोड़ा सा हम रखेंगे इसके ऊपर 3 से 4 दाने हमारे पास पड़े हुए थे जैतून के, उनके ऊपर वाला गार्डनर गुठली हमने चूस ली थी, अच्छी थी जो बड़ी टेस्टी होती है, तो हम वैसे भी बहुत खाते हैं, इधर मिल जाते हैं इजीली। तो ये सारी चीज़ें लगाने के बाद अब फाइनली इसके ऊपर ना लाल वाली फ्रेश मिर्चें थी हमें मिल गई थी, तो वो हम ले आए थे 2 पीस घर में, उनको बारीक सा काट के इसके ऊपर स्पाइसी बनाने के लिए हमने लगा लिए ताकि थोड़ा तीखा भी तो होना चाहिए ना। तो अब जी ये हमारा हो गया फाइनल, इसको कर देते हैं कवर। कवर करके हमने मज़ीद इसको 5 मिनट दूसरी साइड से कुक कर लिया, तो 5 मिनट के बाद इसकी ये लुक आ गई और नीचे से भी पैन ने पिज्जे को छोड़ दिया है, इन्हों तो फड़िया ज़रा भी नहीं, यानी क्या जाओ जी तुम हम जा सकते हो। अच्छा जी तो कर लिया प्लेट में इसको हमने प्लेट आउट, अब इसकी कर लेते हैं जी कटिंग और आपको दिखा देते हैं। अच्छा करना आपने ये है ना कि अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है ना, आपने हमारे चैनल को लाइक करना है सब्सक्राइब भी करना है, तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप अपने ही राय दे सकते हैं हमें ना, कोई ऑप्शन नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं। हमें खुशी होती है जब कुछ हमें हमारी गलती बताता है, तो बतानी चाहिए, हमें भी बतानी चाहिए, ये नहीं है कि सब गुड, तो अब आप देख लेंगे कितना अच्छा बना है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।